और एक बड़ी खबर इस बीच है कि संजय राउत ने सुबह एक विवादित बयान दिया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर, जो अब उन्होंने वापस ले लिया, उस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, बयान से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं। संजय राउत ने हालांकि ये भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनसे अक्सर मिलने आया जाया करती थी, जिसके बाद संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि कई बार कई लोगों के साथ उनकी तस्वीरें थी, राजनीतिक हस्तियों के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन की तस्वीरें थी, जिसके बाद ये बात कही गई, लेकिन मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, मैं इस पर माफी मांगता हूं। कांग्रेस के जो हमारे मित्र है उनको भी आहत में आने की जरूरत नहीं। जब इंदिरा जी के ऊपर कोई टिका टिप्पणी करता था तो बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र चुप बैठे थे, लेकिन मैं सामने आकर इंदिराजीत की वकालत करते आया। अगर किसी को लगता है कि मेरे उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। वैसे देश की राजनीति में नेताओं की तरफ से बयानबाजी के बाद या तो माफी मांगना या उस पर स्पष्टीकरण देना अब कोई नई बात नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।